ओके, विल कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एससीवी पार्ट टू चैप्टर 31 क्वेश्चन 21 से 30 तक। 21 देखते हैं। यहाँ पे दिया है पार्टिकल पी इज शोन इन द फिगर, यहाँ पर है बीच में, ठीक है, शोन इन द फिगर हैज द मास 10 एंड चार्ज इतना, ईच प्लेट हैज द सरफेस एरिया दिस मच, एंड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन टू होल्ड द चार्ज क्यू इन द इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पर जो चार्ज है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो उसका वेट नीचे एम जी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें प्रॉपर जो कि बैलेंस कर दे उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही होता है ना, तो ई निकालने के लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल ऑफ कोर्स यहाँ पर इक्वल कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, है ना, बट पोटेंशियल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए वी इक्वल क्यू बाई सी, तो अच्छा ई मिल जाएगा, लेकिन अपने को डी भी चाहिए। डी कैपेसिटेंस के फार्मूले से मिलेगा, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ई और डी निकाल लेंगे, सी के लिए दिया, डी के लिए दिया है वैल्यू, सी की वैल्यू दी है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट एरिया भी दिया है, तो डी आ जाएगा इससे। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, है ना, वी देखते कैसे निकालेंगे, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी हमें। देखो पहले तो ये इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दी हमने, यहाँ से ई मिल गया सीधा हमें, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ई मिल गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। सी की सी का फार्मूला लिख के हमने डी की डी के लिए रिलेशन लिखा और इसमें पुट कर दिया, वी बाई टू आधा पोटेंशियल मिलेगा इसको, दोनों इक्वल कैपेसिटर हैं, इसका आधा इसको मिलेगा ऊपर वाले को, तो वी बाई टू ई इंटू डी, यहाँ पर वी इक्वल टू ई इंटू डी, टू को इधर भेज दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ई की वैल्यू इसकी इसकी इसकी, तो अपने को वी मिल गया सीधा, है ना, तो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डिटरमाइंड, है ना। क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था, वी ही निकालना था एक्चुअली। वी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ई एंड डी का। ई हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल लिया और सी डी जो है कैपेसिटेंस के फार्मूले से निकाल लिया इधर, और वी को आधा भी करना पड़ा क्योंकि आधा दूसरे कैपेसिटर को मिलेगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोथ द कैपेसिटर्स आर शोन इन द फिगर आर मेड ऑफ द स्क्वायर प्लेट ऑफ द एज ए, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी वन एंड डी टू आर शोन, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर विद द व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट डज नॉट कोलाइड विद एनी ऑफ द प्लेट्स, कंसिडर ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ से सेंट्रल लाइन से प्रोजेक्ट किया गया ना, सेंट्रल लाइन बीच में से, तो एक तो ये वाला मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला है, ये वाला एक्सेलरेटेड मोशन है, इधर नो एक्सेलरेशन इधर एक्सेलरेशन, तो नो एक्सेलरेशन वाली साइड से ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो ये इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी, तो इतना टाइम लगा। अभी सेंट्रल लाइन से इसको इतने टाइम में जस्ट इसके पास तक पहुँचना, हिट नहीं करना है। काइनेमेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो डी वन बाई टू लेंगे और फोर्स चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई मास, है ना, तो इलेक्ट्रिक इससे जो है हमें एक्सेलेरेशन मिल गया और ये टाइम की वैल्यू पुट कर दी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालें, तो पोटेंशियल से देखो, पोटेंशियल जो है टोटल पोटेंशियल वी है, V1 कितना होगा इसके, इसमें कितना मिलेगा, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, सेकंड वाले का कैपेसिटर डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू V, इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं। बट C इज इक्वल टू A बाई डी, ए जो है ए स्क्वायर हो जाएगा D, तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, इसमें नीचे D2 आएगा, इसमें D1 आएगा, इसमें, तो ये जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे LCM ले लेंगे तो ये बचता है, V1 में D1 ऊपर आ रहा है ना, इन्वर्स रेशियो डी टू था यहाँ पर, वो पलट के फिर हमने
डी वन डी टू एलसीएम लिया, डी टू कैंसिल हो जाएगा, डी वन बचेगा और नीचे टोटल डी है ना, डी वन प्लस डी टू, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ई वन विच इज इक्वल टू वी बाई डी वन। तो वी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, वी वन बाई डी वन, ये वी वन होगा, तो वी वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, ऑलराइट, तो ये मिल गई ई वन की वैल्यू, ये वैल्यू ई वन की यहाँ पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैनी स्टेप्स, काइनेमेटिक इक्वेशन, फिर हमें पोटेंशियल कैसे निकालना है ऊपर वाली प्लेट्स का, उससे फिर फील्ड निकाल लेंगे, पोटेंशियल इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस पर डिवाइड होता है। 23 पे चलते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर इज रिलीज समवेयर इन बिटवीन द गैप, प्रोटॉन, इट इज़ फाउंड दैट प्रोटॉन नीचेस टू द नेगेटिव प्लेट एट द सेम टाइम एज इलेक्ट्रॉन नीचे टू द पॉजिटिव प्लेट, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट वाज द पेयर रिलीज। तो देखो यहाँ पे छोड़ा हम लोगों ने, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा, टोटल डिस्टेंस तो दी हुई है, बट डी वन एंड डी टू का रेशो निकाल लेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन डी ऐसे दिखो हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, मास का इन्वर्स रिलेशन होता है, डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस का वर्ड इज इन्वर्स रिलेशन ऑफ द मासेस, तो प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स होता है, रफली 2000 टाइम्स है, तो यहाँ से हमें डी वन का डी टू के साथ रिलेशन मिल गया, टोटल डिस्टेंस डी वन प्लस डी टू इज टू, डी वन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी टू के लिए सॉल्व करेंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी, दिस मच, ऑल राइट। तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक इक्वेशन प्लस योर दैट लॉजिक्स है ना, लॉजिक तो नहीं है, काइनेमेटिक इक्वेशन है और सीधे फार्मूलेज पर ही है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, कन्विंस योर सेल्फ इन दीज पार्ट्स आर आइडेंटिकल, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन, तो ये सभी देखो ध्यान से देखो, दे आर वीट स्टोन ब्रिज, C1, C2, C3, C4 और ये C5, ये C5 इधर, C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4, ये C5, तो सभी में वीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस है कि नहीं देखते, 1/3 का रेशो, ये भी 1/3 का रेशो, सभी में सेम सिचुएशन है, तो बैलेंस है, ऊपर वाली ब्रांच का 1 और 3 है तो उसका नेट इतना आ जाएगा, C1 C2 upon C1 plus C2, नीचे वाली ब्रांच का 2 और 6 है, C1 C2 upon C1 plus C2, बाद में दोनों पैरेलल में हो गए तो उनको ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, ये वाला, ऑलराइट, तो बिटवीन द शोन इन द डायग्राम्स है ना, डिफरेंट डायग्राम्स है, चार डायग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग एक तो फार्मूला होता है VA = Q/C कैपेसिटेंस का, KVL लगाने वाले हैं, यहाँ से सपोज चार्ज Q चला, इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, ठीक है, तो Q1 मिल जाए अपने को तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, Q1 कैसे मिलेगा, इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है, पहले इसी में लगा लेते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है, तो यहाँ से चले बैटरी से 12 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे 12, फिर यहाँ पर आए नेगेटिव, ये पहले पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव की, बिकॉज पॉजिटिव से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आगे इंडक्शन से नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव, तो -Q/C, C कितना है इसका 2, आगे चले यहाँ पर, नहीं आगे ही चले गए इस वाले लूप में, तो Q1 -Q1/2, और ऐसे ही ये भी प्लेट भी माइनस हो रही इधर वाले, प्लस माइनस, ये माइनस फिर ये प्लस होगी, ये माइनस फिर ये प्लस होगी, माइनस है ना, चार्ज जब प्लस जाएंगे तो माइनस को अट्रैक्ट करते वो, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचे फिर यहाँ पे पहुँचे = 0, तो यहाँ से सिंस Q = Q1 plus Q2, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी Q1 plus Q2, सिंप्लीफाई करने से ये रिलेशन आ जाता है। तो एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर लेते, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये कहाँ से कहाँ से आएंगे, इस तरफ से खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, दूर से आएंगे इधर, फिर इसको ये इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर से, ये बैटरी भी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगी ना,
यहाँ भी देखो ये नेगेटिव है, यहाँ से प्लस हो गई तो इलेक्ट्रॉन ये इधर से खींचेगी, तो इस तरह से प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो ये हमने इसके लिए किरचॉफ लॉ लगा दिया। अभी देखते हैं किसके लिए, फॉर राइट हैंड साइड लूप, इसके लिए इतने के लिए। तो यहाँ से चले माइनस क्यू बाई टू, ये सेम है अगेन, माइनस क्यू बाई फोर, यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो ये प्लस पर बाहर निकल रहे। जिस प्लेट से बाहर निकलते हैं वही चार्ज रिटेन होता है, जब बैटरी का ई एम एफ वही रिटेन होता है, इससे प्लस से बाहर निकले, हाई पोटेंशियल से बाहर निकले। तो प्लस क्यू बाई प्लस क्यू टू बाई फोर, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्यू टू बाई टू की वैल्यू मिल गई ये वाली, तो यहाँ प्लेस हो जाएगी, है ना। ट्वेल्व एज इट इज़ दिस एज इट इज़, क्यू टू बाई टू की वैल्यू यहाँ पुट की वन के टर्म्स में, तो क्यू वन मिल जाएगा। अभी यहाँ से देखो क्यू वन 36/11 आ गया, बस यहाँ पे फिर ये क्या कुछ भी नहीं रह गया। तो वी ए बी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंश, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इट विल बी सिंप्लीफाइड होने के बाद 12/11 आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से देख लो, कौन सी प्लेट माइनस और किरचॉफ लॉ, जिस प्लेट से बाहर निकलते वही साइन रिटेन किया जाता है। इसमें देखो माइनस से सब बाहर निकले, इसमें प्लस प्लस से बाहर निकले, ऐसे लूप बनाया था तो इसलिए प्लस इसका रिटर्न किया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लूप सिंगल लूप में, सिंगल लूप में हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सिंगल लूप के सारे सारे कैपेसिटेंस एंड सारे रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं, तो ये कौन कौन सा है, टू एंड फोर सीरीज में है, इसका नेट ये आ जाएगा। और ये देखो ये बैटरी इधर सप्लाई कर रही है, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका एक दूसरे को अपोज करेंगे तो 24 वाली डोमिनेट करेगी, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, है ना। तो बस अभी यहाँ से ऐसे क्यू नेट निकाल लेंगे, सी नेट इंटू वी नेट, सी नेट हमने ऊपर निकाला, ये वी नेट है 16, तो 16 चार्ज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 16 आया तो वी बी ए, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल क्यू नेट अपॉन सी, सी टू है इसका, क्यू नेट पूरे से रूप का निकाल लिया हमने, 8 आ गया। बी हायर पोटेंशियल पे होगा, देखो ये इसका पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, और ए लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव है, देखो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो वी बी ए पॉजिटिव आया, बट इन्होंने पूछा वी ए बी, तो हमने साइड चेंज की तो इधर माइनस हो जाएगा, ए दैट लोअर पोटेंशियल। सी देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एक बैटरी 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की, सपोज हमने यहाँ पर यहाँ से चार्ज क्यू चलाया, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ मैं, क्यू चला यहाँ से, क्यू वन इधर चला गया, क्यू टू इधर चला गया, ये पॉजिटिव प्लेट है तो नहीं, ये तो बैटरी है सॉरी, इधर वाले में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगी तो ये दूसरी वाली नेगेटिव हो जाती। फिर यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, और ये वाली जो है पॉजिटिव के साथ है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों को इलेक्ट्रॉन भेज सकती है इधर, ठीक है। बस उसके बाद लेफ्ट हैंड लूप ये वाला, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे टू से बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, नीचे आए माइनस क्यू, माइनस से निकल रहे तो माइनस क्यू बाई टू, इसमें ऊपर जा रहे प्लस से बाहर, प्लस से आ रहे तो प्लस क्यू टू बाई सू, प्लस से माइनस से इंटर होकर प्लस से बाहर निकले, जिस प्लेट से बाहर निकलते वो साइन रिटेट कर दें, प्लस क्यू टू बाई सी, तो यहाँ क्यू टू बाई सी की वैल्यू मिल गई इससे लेफ्ट हैंड लूप से। राइट हैंड लूप, लेफ्ट हैंड लूप नॉट रूल, लेफ्ट हैंड लूप। अभी राइट हैंड लूप में लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे चलते हैं, तो माइनस टू निगेटिव टर्मिनल से बाहर है, इधर प्लस, ये चार्ज कितना है क्यू, प्लस क्यू बाई टू, और ऊपर आए क्यू टू बाई सी, तो यहाँ से क्यू टू बाई सी की वैल्यू मिल गई, तो क्यू टू बाई सी की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, ये वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, ये इज इक्वल टू फ्रॉम वन, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्यू की वैल्यू, ये क्यू जो है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू वन प्लस क्यू टू, जहाँ पर क्यू आया उस पर क्यू वन प्लस क्यू टू लिख दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्यू वन की वैल्यू मिल गई क्यू टू के टर्म्स में। बिग लूप लेंगे अभी हम,
बिग लूप में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो कैसे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी जा सकते हैं, बट साइन कन्वेंशन प्रॉपर याद रखना। माइनस टू इसके भी माइनस से बाहर, इसके प्लस से बाहर, क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, सीधे पुट कर दिया, और इसके प्लस से बाहर डिवाइड बाई कैपेसिटेंसी। तो ये सॉल्व करने के बाद अपना जो है क्यू टू सीधे ज़ीरो ही आ गया सॉल्व करने से, तो वी ए भी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन सी, तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, यहाँ पे सपोज क्यू वन लिया इसमें हमने, इसमें क्यू टू, इसमें क्यू थ्री, तो अभी क्वेश्चन लिख सकते हैं अपर लूप की है, सिक्स नेगेटिव से माइनस क्यू वाई कैपेसिटेंस माइनस क्यू वन, फिर इधर आ जाओ, प्लस से बाहर निकल रहे क्यू टू बाई टू, माइनस से बाहर निकल रहे माइनस ट्वेल्व। तो यहाँ से पहली क्वेश्चन मिल गई हमें, क्या मिल गया, यहाँ से क्यू वन एंड क्यू टू का रिलेशन मिल गया हमें। दूसरी क्वेश्चन पे आते, लेफ्ट हैंड लूप, लोअर लूप सॉरी, ये वाला, तो यहाँ से चले हम ट्वेल्व, इधर आए नेगेटिव टर्मिनल से बाहर, नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रही है, नीचे आए पॉजिटिव प्लेट से क्यू थ्री बाई सी, इधर आए नेगेटिव प्लेट से बाहर आ रहा है माइनस, नेगेटिव से बाहर आ रहा है माइनस माइनस ट्वेंटी फोर, यहाँ से क्यू थ्री एंड क्यू टू का रिलेशन मिल गया, ठीक है, यहाँ से क्यू वन का मिला, यहाँ से क्यू थ्री का। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से देखो चार्जेस, चार्जेस अप्रोच तो ज़ीरो है, चार्जेस एंटरिंग इज़ ज़ीरो एंड लीविंग इज़ क्यू वन प्लस क्यू टू, नेट चार्जेस टोटल चार्ज लीविंग है, इधर से कुछ आ नहीं रहा, कनेक्शन ही नहीं है, ज़ीरो। क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से क्यू टू एंड क्यू थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, सॉरी हाँ क्यू वन की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से क्यू थ्री, तो क्यू टू आ जाएगा अपना, क्यू टू के लिए सॉल्व कर लेंगे, क्यू टू ही चाहिए एक्चुअली। ट्वेंटी फोर बाई सेवन, ट्वेंटी फोर इंटू सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन है ये, ठीक है। बस अभी हमने सेंट्रल लूप पकड़ा, यहाँ से सेंट्रल लूप के ही बारे में बात हो रही है, ए बी सेंट्रल लूप के, सेंट्रल ब्रांच इनफैक्ट नॉट लूप। तो ए से चला वी ए, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले ट्वेल्व, फिर इसके नेगेटिव से बाहर निकले माइनस क्यू टू बाई सी, और सब प्लस माइनस हो के यहाँ पे वी भी बच गया। बस अभी वैल्यूज पुट करनी है, इसकी वैल्यू अपने पास है ना, क्यू टू की वैल्यू है, सी कितना था इसका, टू है ये, से सीधा लिख सकते हो यहाँ पर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक। तो वी ए माइनस वी बी के लिए सॉल्व किया, तो इट इज़ कमिंग टू बी माइनस ऑफ 72 बाई सेवन विच इज़ माइनस 10 बाई थ्री, माइनस 10.3 वोल्ट। तो ए जो है लोअर पोटेंशियल पे, बी हायर पोटेंशियल पे, वी बी माइनस वी ए प्लस आ जाएगा। ऑल राइट, फर्दर देखते हैं थोड़ा सा। 26 जो है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स, इंडिकेटेड पॉइंट्स के बीच में ए एंड बी के बीच। तो यहाँ पर भी किरचॉफ लॉ देखो, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, वी ए बी, ये जो ये पोटेंशियल है वी ए बी, दिस विल बी वी वन प्लस वी टू इसका सम। तो यहाँ पर क्या है, क्यू वन बाई वन और ये क्यू टू बाई टू है ना, तो इसमें हमने प्लस माइनस नहीं दिया है, डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इस वी वन यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, वी वन यहाँ, वी टू यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, इस लॉजिक से लिखा हमने, वी ए भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी देखो, दूसरा वी ए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, फिर क्यू थ्री में ड्रॉप हुआ, क्यों इसमें क्यू वन मतलब इसमें ड्रॉप हुआ, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो वी ए बी टोटल पोटेंशियल तीन पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, क्यू वन बाई वन, क्यू थ्री बाई फोर एंड ये है ना, पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, इसमें माइनस प्लस नहीं लिया, पार्ट में ड्रॉप हो रहा है, इतना प्लस इतना, इसमें भी इतना प्लस इतना प्लस इतना वी ए बी। तो वी ए बी की दो इक्वेशन बनाई हमने, और यहाँ पर चार्जेस जो हैं, क्यू वन इज़
फ्लोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अच्छा चार्जेस का देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये वन है और ये वन है इधर का, सपोज इसमें क्यू वन आया और ये तुम्हारा थ्री है, इसमें क्यू टू आया, तो यहाँ से देखो सिमेट्री देखो, ये थ्री है इधर भी थ्री है इधर वन है, तो फाइनली जब ज्वाइन होंगे तो यहाँ से क्यू टू आएगा और यहाँ से क्यू वन होगा, सिमेट्रिसिटी वन एंड वन, थ्री एंड थ्री, तो सिमेट्रिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर वन है तो नीचे वन है ना, क्योंकि ये वन और यहाँ का इसके साथ इंटरचेंज होके यहाँ पे ज्वाइन होते, तो ये सिमेट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू प्लस क्यू थ्री, यहाँ से जो चार्ज आया कुछ इधर गया कुछ इधर गया, सम ऑफ दैट टू चार्जेस, क्यू थ्री मिल गया यहाँ से हमें, तो क्यू थ्री की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, इसमें, तो ये तुम्हारा वी ए बी में ये वाला, एक तो देखो पहले तो इसको लिख लिया, देखो क्यू वन क्यू टू दो बार है ना, तो टू क्यू वन लिख लिया और क्यू थ्री की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, क्यू वन माइनस क्यू टू अपान फोर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू वन इन क्यू टू के टर्म में रिलेशन आ गया ये, तो वी ए बी, अच्छा ये वी ए बी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, वी ए बी की जो वैल्यू निकाली हम लोगों ने ये वाली, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या पुट किया, हमने क्यू वन देखो क्यू वन की वैल्यू ऊपर से पुट की हमने, यहाँ पर देखो क्यू वन की वैल्यू तो नाइन बाई फोर एज इट इज़, नाइन बाई फोर एज इट इज़ क्यू वन की वैल्यू केवल पुट की है और माइनस क्यू टू बाई फोर से क्यू वन की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाए, ठीक है, तो वी ए बी को और सॉल्व किया वी ए बी के लिए, यहाँ भी वी ए बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू टू की वैल्यू फाइव बाई फोर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्यू टू बचा और वी ए बी बचा, तो क्यू टू वी ए बी के टर्म में आ गया, तो क्यू वन भी आ जाएगा, क्यू वन यहाँ पर है, क्यू टू पुट निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो ठीक है, तो यहाँ से Q1 भी आ गया अपना इसमें, तो फाइनली C क्या होगा, देखो C विल बी कैपेसिटेंस विल बी टोटल चार्ज, यहाँ से टोटल चार्ज इंटर हो रहा है Q, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ पे मैं लिख दूँ टोटल चार्ज का, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर दोनों की, तो वी ए बी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, उप इसमें भी आएगा, ये बचेगा, तो 11 बाई 6 माइक्रो फैरड, तो दिस इज़ अ वन मेथड है ना, वोल्टेज को हमने वी ए बी को निकाल लिया, सी आई मीन क्यू वन एंड क्यू टू को वी ए बी के टर्म में, और नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, एक तो ये मेथड है, इसका दूसरे मेथड से भी हम देखते हैं, हम लोग स्टार डेल्टा मेथड बोलते हैं उसको, अल्टरनेट मेथड देखते हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू ये मेथड पहले, व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे, ये वाले पाथ लिया तो यहाँ पे दो पार्ट में ड्रॉप हो जाएगा वी वन प्लस वी टू, उसको और हमने निकाल लिया, और फिर हमने इसको ये पाथ भी लिया, इसमें भी यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री ड्रॉप हो रहा है ऐसे, तो उसकी वो इक्वेशन यूज़ करके हमने Q1 Q2 मतलब टोटल चार्ज जो यहाँ से जो Q चला, यहाँ से जो Q आ रहा है विच इज़ Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज निकाल लिया वी ए बी के टर्म्स में, तो C इज इक्वल टू वी ए बी कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज अपॉन नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए बी वी ए बी, ठीक है, तो ऐसे निकाला। दूसरा मेथड देखते हैं स्टार डेल्टा मेथड, ये ध्यान से सुनो, इस तरह की अगर तीन ब्रांचेज हमें दिखती हैं, इसको स्टार बोलते हैं और इसको ये डेल्टा होता है ना, इस तरह का हमने पढ़ा है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने कर लेंगे तो फिर सर्किट इजी हो जाता है, देखो ऊपर वाला डायग्राम में ऐसे है, ठीक है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक तो हमने इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको डेल्टा बना दिया, ये वाली ब्रांच को थोड़ा ये वाली को पहले ऊपर दिखा रहा है, बाद में इसको हटा देंगे, स्टार को हटा देंगे, देखो ऐसे हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, ये इनके एंड्स ज्वाइन कर दिए ऐसे ऐसे, अभी ये जो कैपेसिटर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आएगा
1 × 3, 4, 3 हो गया, थोड़ा सा बड़ा देखो, सी एट ईयर, 1 × 3, 3 आ गया ऊपर, डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस, इसका जो तीन जो बनेंगे हमें, यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो इनके टोटल कर लो, इनका 1 + 3 + 4, 8 हो गया, डिवाइड बाई 8, ऐसे इसमें आ जाओ, इसका कितना होगा, ये दोनों कैपेसिटेंस जो है इसके साइड वाले, 3 × 4, 12 हो गया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 4 + 8, तो 12/8, 3/2 हो गया। अभी इस तरफ आ जाओ, ये 1 × 4 प्रोडक्ट ऑफ दिस साइड की, अभी ये वाली ब्रांच का लिखना है तो ये वाले साइड के लेंगे, इस जिस ब्रांच के लिखने हैं उस साइड की कैपेसिटी, 1 × 4, ये 4 है तो ऊपर 4, नीचे तीनों का फिर से एडिशन 8, तो 4/8 विल बिकम 1/2, तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, अभी ये हट जाएगा, इसको निकाल देंगे पूरा, तो ऊपर वाला कितना है 3/8, देखो अभी ध्यान से, थोड़ा छोटा करके, ये वाला 3/8 हो गया, ये कितना आया 1/2 आया इधर, ये कितना आया 3/4, और बाकी तो ये वाले एज इट इज़, ये वाले इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जहाँ पे तीन वायर्स का जंक्शन है वो स्टार उसको रिप्लेस कर, अभी ये ऐसा हो गया, अभी ये दोनों यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट कंप्रेस होकर यहाँ आ जाएंगे, ऐसा ये एज इट इज़, ये वाला पॉइंट निकल के यहाँ आ गया, बीच में कुछ भी नहीं है कनेक्टिंग वायर से, ये दोनों पैरेलल में ऐसे, ये भी ऐसे आ जाएगा, ये वाला यहाँ से जंक्शन निकल के यहाँ आ जाएगा जॉइंट, क्योंकि बीच में कुछ भी किसी कैपेसिटर को बाईपास नहीं कर रहे हैं, किसी बैटरी को कैपेसिटर को बाईपास नहीं करते, कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट, ये कॉमन इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट कंप्रेस होकर एक जगह आ जाते हैं, तो ये ऐसे हो गया। अभी ये सिंपल केस हो गया, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, इन दोनों का नेट आ गया ऐड करने से, ये भी नेट आ गया, अभी इन दोनों का सीरीज निकाल लो, ये इसके साथ पैरेलल में ऐड कर दो, गॉट इट, तो ये तुम्हारा 11/6 आ जाएगा। ऐसे ये भी देखो, इसमें भी दो स्टार बनने, देखो एक तो ये, इसका डेल्टा ऐसे बन जाएगा, और नीचे वाले कैसा बन जाएगा, और ये वाले एज इट इज रहेंगे, तो देखो इसमें भी वही, ये तो पूरा ऊपर जो अपने डिस्कस किया वो नहीं, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है क्या, 1 और 3, ठीक है चलो यहीं पे देख लेते हैं, लोग क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, सॉरी देखो जस्ट एक बार और प्रैक्टिस करते, इसको हटाना है हमें, तो यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, इन दोनों को हटाना है तो ये ज्वाइन कर दो उनको, स्टार के टर्न एंड ज्वाइन कर दिया से, तो ये ऊपर वाला कैपेसिटेंस कितना होगा 1 × 3, अच्छा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन एरर हो गई, 3 रहेगा जी, ठीक है, तो ये आ गया 3 / टोटल कैपेसिटेंस 1, 3 और 4, 8 हो गया, ठीक है। अभी इसका देखते ये कितना आएगा, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4, 12 / टोटल कैपेसिटेंस 1 + 3 + 4, 8 हो गया। इधर का देखते 1 और 4, इनका प्रोडक्ट 4 आ गया, 1 × 4, 4, और नीचे टोटल कैपेसिटेंस 1 + 3 + 4, 8 आ गया, तो 1/2। इधर भी देख लेते, ये स्टार लिया हमने, तो ये वाला 1 × 3, 3 हो गया, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है इसका 1 + 4, 5 + 3, 8। इधर वाला अभी लगाना है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 1 है ये 4 है, तो 1 × 4, 4, टोटल कैपेसिटेंस 8 है इसका भी, तीनों का मिला के 8 है। इधर आ जाओ, इधर किसका किसका प्रोडक्ट 3 × 4, 12 हो गया, और इनका एडिशन 3 + 4 + 1, 8, ये 3/2 हो गया, ठीक है, और ये वाला भी 3/8 हो गया, 3/2, और इधर वाला इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/8, तो अभी हटाना है इनको, ये सब निकल जाएंगे ये वाले, तो ऊपर वाला 3/8 बचा, ये वाला 3/2, इधर वाला 1/2, नीचे भी देखो ये वाला 1/2, ये 3/8, ये वाला 3/2, और ये वाले अपने एज इट इज, इनको डिस्टर्ब नहीं किया हमने, तभी ये सर्किट, अभी इसमें क्या दिख रहा है, तीनों देखो कॉमन पॉइंट पे आ जाएंगे, इक्वल सेम पोटेंशियल पे कंप्रेस होकर एक ही पॉइंट बन गया। इधर वाले भी देखो, ये और ये पैरेलल में कंप्रेस होकर सिंगल पॉइंट पे आ गए, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, इधर वाले भी, उनका नेट आपस में सीरीज में हो जाएगा, फिर
बस अभी सिंप्लीफिकेशन है, ये देखो इनका नेट 4 आया, इनका नेट 4 आया, दोनों का मिला के 2 आएगा, 3/8 दो बार है इसलिए मैंने नीचे भी है इंटू 2 कर लिया, प्लस 2 बीच वाले का 2 आ रहा है, तो 11/4 स्टार डेल्टा मेथड इज़ यूजफुल हियर। नहीं तो किरचॉफ लॉ जो हमने फर्स्ट मेथड किया था वो लगा सकते हैं। जस्ट सी वंस अगेन, ऑल राइट। ये इसके बाकी दो पार्ट जो है, ये तुम्हारा वीट स्टोन बेस बैलेंस है, देखो ऊपर वाला बैलेंस है, उसके साथ ये पैरेलल में है, डायरेक्ट है बैलेंस वाले का निकाला 2 × 4/C1C2/C1+C2, नीचे वाली ब्रांच का निकाला और ये 4 के साथ पैरेलल, तीनों फिर पैरेलल हो जाएंगे। ये वाले में देखो दो वीट स्टोन बेस है, एक ये एक नीचे, ठीक है, और बीच में ये कनेक्ट, तो ये इसमें तो ये निकल ही जाएगा, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल भी आएंगे देखो यहाँ का, तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका और इसका, ये 4/8 है, ये भी 4/8 है, तो ये इसका पोटेंशियल, तो ये इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, जितना पोटेंशियल, तो ये बाहर निकल गया, तो दो तुम्हारे वीटी स्टोन बेस पैरेलल में, 2 बैलेंस वीटी स्टोन बेस, तो ये आ जाएगा। ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ से, ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाले से स्टार्ट करो, ये दोनों सीरीज में है, 1 हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, ऐसे करते हो रिपीटेटिव है, लास्ट में फिर से 1 बचेगा ये इसके साथ पैरेलल में, तो यहाँ पे 2 और ये 2, लास्ट में 2 × 2 बचेंगे, 2 × 2 C1C2/C1+C2 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सीरीज़ फिर इसके साथ पैरेलल फिर इसके साथ, दिस इज इजी क्वेश्चन। ये वाला देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एक मिनट चलो इसको एक बार फिर से, ये 2 × 2 सीरीज़ में है, 1 हो जाएगा, तो ये दोनों हट के ऐसे 1 1 1 1 1 1 फिर से 2 हो जाएगा, फिर से सेम सिचुएशन आ रही, ऐसे चलते जाएंगे आखिर में ये 2 बचेगा, इसमें भी 1 आएगा तो ये 2 बचेगा, लास्ट में ऐसा बचेगा, ये वाला तो है 2 और ये वाला ऐसे 2 × 2 सीरीज़ में बचते। चलो ठीक है, 28 देखते अभी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों इनफाइनाइट लैडर है, देखो ये 2 है ये 1 है, फिर से ये 2 1, तो इस पॉइंट से रिपीट हो रही है वो इनफाइनाइट लैडर में, क्या करते हैं एक एक यूनिट अगर हमने एक एक बॉक्स काट के भी फेंक दिया तभी भी उतना ही आएगा, अभी यहाँ से रिपीट हो रही, इसको तुम कट करके फेंक दो, फिर से पी एंड क्यू से सेम आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी से सपोज हमने एक्स लिया तो पी क्यू से भी एक्स होगा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द क्ल्यू। देखो ऐसा तो पी क्यू से भी एक्स होगा, यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है, तो ये सीरीज सिंपल सर्किट हो गया, यहाँ पर देखो 2 और x सीरीज में आ गए और 1 के साथ पैरेलल में, तो ये उनका नेट सी ए भी हो गया, बट सी ए भी तो x है ना, वही तो हमें निकालना है, तो इसको ये पुट कर दिया, सी ए बी इज एक्स, दैट इज व्हाट इज टू फाउंड आउट, बट हमने एक यूनिट आगे से, मैंने बोला ना इसको काट के फेंक दो इधर, फिर से वो एक्स आएगा आगे का, क्योंकि इनफाइनाइट तक गया रही नहीं लैडर, तो देयरफॉर एक यूनिट कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज़ व्हाट इज द क्ल्यू हियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको जब हम सॉल्व करते तो 2 μF आता है, माइनस वाला छोड़ देंगे, माइनस में नहीं होता कैपेसिटर, प्लस वाला रिटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते, द फाइनल लेडर बनी है, फाइनाइट लेडर बनाई गई है, आप सेवरल 2 और 4 μF कैपेसिटर्स हैं शोन इन द फिगर, इट इज़ टर्मिनेटेड बाय द कैपेसिटेंस सी, सी से टर्मिनेट कर दिया, तो
equivalent capacitance of the ladder between the points A and B becomes independent of the number of sections in between, है ना। C की वैल्यू कितनी होगी वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, तो हम मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगी सीरीज, कहने का मतलब इनफाइनाइट का जो आएगा C की वैल्यू ऐसी हो कि वो प्लेस कर दो तो जो इनफाइनाइट का आएगा वही इसका आएगा। तो इनफाइनाइट का हमने निकाल लिया ऊपर वाले मेथड से, तो ये इनफाइनाइट का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने 4 आ गया, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट कर दें, 4 एंड 4 2 हो जाएंगे, इसके साथ फिर से पैरेलल में आ जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर इसके साथ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने दो चार और बॉक्स और भी ले लो, फिर से लगाओ C4, फिर से, क्योंकि वो हर स्टेप में 4 एंड 4 2 इसके साथ 4 फिर इसके साथ, तो ये सिचुएशन 4 एंड 4 रिपीट हो रही है, अभी आगे से रिपीट होती चली जाएगी, तो तुमने इंडिपेंडेंट ऑफ सी हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट का निकाल के और वही वैल्यू सी की पुट कर दे वहाँ पर, तो चाहे वो दो बॉक्स हो या तीन बॉक्स हो चाहे इनफाइनाइट बॉक्स हो, फिर से सेम आंसर आएगा। तो दिस इज़ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट, इस पर, और नेगेटिव पर ऑन द पॉजिटिव प्लेट, एंड चार्ज माइनस ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप कैपेसिटेंस इतना, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है पहले, फर्स्ट इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले तीन चारों सरफेस पे, टोटल चार्ज इतना हो गया, नहीं इसका टोटल चार्ज Q1 एंड Q2 इतना दिया दोनों को मिला के, और इसका Q3 प्लस Q4 इतना दिया है माइनस। तो हमें पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे टोटल का आधा होता है, तो टोटल कितना है 2 - 1/2, -8 बाद में लिखेंगे, तो 1/2 0.5 आएगा इस पे और इस पे। तो अंदर वाली सरफेस पे Q2 क्या होगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से निकाल लिया, तो माइनस करने के बाद प्लस माइनस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से इस पे जो है इतना आ रहा है, और ये वाले पे माइनस। फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही चार्ज होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। ये वाले जो है दे विल बी जस्ट विल नॉट बी इनके इन ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन अंदर फील्ड में ख़त्म हो जाएगा, एक किधर, ठीक है। तो इसलिए कोई फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई उसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका, तो अंदर वाले जो चार्ज हैं Q2 एंड Q3 इक्वल एंड अपोजिट भी आने चाहिए हमेशा, उसमें से जो पॉजिटिव होता है वही चार्ज कैपेसिटर पर माना जाता है। तो C इज इक्वल टू Q/V, Q ये वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, और V को जल है C को, C दिया हुआ C, तो इस समय V मिल जाएगा इतना। एक मिनट, जस्ट होल्ड, सी जो है, सी तो दिया था ना, एक मिनट जस्ट, हाँ सी दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट, तो वी जो है Q/C, क्यू इतना है, सी इतना है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो ये तुम्हारा 15, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा वोल्ट, और यहाँ पर भी होना चाहिए, करेक्शन है थोड़ा सा, तो 12.5 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्यू की एंड सी की पुट कर दी और सॉल्व कर लिया 12.5 वोल्ट। दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।